नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको आपकी पर्सनल सिक्योरिटी से जुड़ी हुई एक बहुत ही अच्छी जानकारी देने वाला हूं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए और पूरा जरूर देखिए। दोस्तों हम प्ले स्टोर से बहुत सारी ऐप्स डाउनलोड करते हैं और कुछ टाइम बाद उन ऐप से हम बोर भी हो जाते हैं और उन्हें अपने फ़ोन से अनइंस्टॉल भी कर देते हैं। लेकिन उन ऐप्स को अनइंस्टॉल करते वक्त हम एक बहुत बड़ी गलती कर देते हैं जो हमारे लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकती है। तो इस वीडियो में मैं आपको एक यही इन्फॉर्मेशन दूंगा कि उस ऐप को आप किस तरह से अनइंस्टॉल कीजिए कि आपके लिए कोई भी खतरा ना हो। देखिए हम कोई भी ऐप्स को अनइंस्टॉल किस तरह से करते हैं। देखिए हम डायरेक्ट अपने फ़ोन की स्क्रीन पर चले जाते हैं, उस ऐप पर हम टच करके रखते हैं और उसे हम डायरेक्ट अनइंस्टॉल कर देते हैं, ठीक है दोस्तों। लेकिन ये एक गलत तरीका होता है। हम इस तरह से एप्लीकेशन को तो डिलीट कर देते हैं लेकिन साथ ही साथ हम उस एप्लीकेशन में अपने पर्सनल डाटा को भी सेव करके भेज देते हैं। जी हाँ दोस्तों, और हमारा पर्सनल डाटा यहीं से चोरी होता है। तो जब भी आप किसी एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल करें तो वो इस तरह से करें जैसे मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आप अपने फोन की सेटिंग्स पे जाइए। सेटिंग पे जाके आप एप्लीकेशन मैनेजर पे जाइए। यहाँ तक तो आप सभी जानते हैं कि एप्लीकेशन मैनेजर से भी आप एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको क्या चीज़ ध्यान रखनी है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो मान लीजिए आपको यहाँ से कोई ऐप अनइंस्टॉल करनी है। देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पर ये ऐप अनइंस्टॉल करने के लिए सेलेक्ट कर ली है। अब हम अनइंस्टॉल करने के लिए हम डायरेक्ट यहाँ पर अनइंस्टॉल पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ क्लिक कर देंगे तो सेम वही चीज़ होगी जो अभी हमने अपनी स्क्रीन पर भी दिखाया था। जैसे हमने वहाँ से अनइंस्टॉल किया था वैसे यहाँ से अनइंस्टॉल हो जाएगा। यहाँ पे भी हमारा सारा पर्सनल डाटा इस ऐप के साथ ही चला जाएगा। तो इस ऐप को अनइंस्टॉल करने से पहले या जो भी ऐप आप अनइंस्टॉल करते हैं तो उससे पहले आपको क्या करना है, देखिए आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर नीचे आपको क्लियर कैच और एक क्लियर डाटा, ये दो ऑप्शन भी नज़र आते हैं। तो हम इन्हें डिलीट करना भूल जाते हैं। यही वो चीज़ें होती हैं जो हमें ध्यान रखनी है दोस्तों। किसी भी ऐप को अनइंस्टॉल करने से पहले उसके डाटा को हमें इरेज करना है। अब हमें यहाँ पर अपने इस ऐप के डाटा को हमें क्लियर कर देना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दोनों चीज़ यहाँ पर ज़ीरो हो गई हैं। अब यहाँ पर जब ज़ीरो हो जाए, जब डिलीट हो जाए, उसके बाद हम इसको अनइंस्टॉल कर देंगे। किसी भी ऐप को आप इस तरह से अनइंस्टॉल कीजिए और जैसे आप इसको अनइंस्टॉल कर देंगे तो कोई भी आपका पर्सनल डाटा बाहर लीक नहीं होगा, चोरी नहीं होगा। तो दोस्तों ये थी एक इन्फॉर्मेशन, आप किस तरह से एप्लीकेशन को डिलीट करते वक्त अपने पर्सनल डाटा को सेव करके रख सकते हैं। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो आपको तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों अपने परिवार वालों के साथ भी इसे शेयर कीजिए, उन्हें भी सेफ रखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। या आपकी स्क्रीन के ऊपर सब्सक्राइब के लाल निशान पर टच करके और उसके बाद घंटी के निशान पर भी जरूर टच कीजिए ताकि आपको हमारी नई नई वीडियो लगातार मिलती रहे। ये बिल्कुल फ्री होता है और आप इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा भी उठा सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।